हेलो नमस्ते आदाब, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटनी शो। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहाँ गए ये लोग। इसमें हम आपको उन फिल्मी शख्सियतों के बारे में बताते हैं जो अपनी स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से हमारी नज़र में आए मगर अब नज़र नहीं आते। ऐसी एक फिल्मी हस्ती हैं फरीदा जलाल। 90 के दशक की तमाम फिल्मों में हमने उन्हें माँ से लेकर दादी के रोल्स में देखा है। फिल्मों के नाम गिनाने पर आए तो उस लिस्ट में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है और कहूँ ना प्यार है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात ये कि उन फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स प्ले करने से पहले फरीदा प्रॉपर हिंदी फिल्म हीरोइन रह चुकी हैं। मगर फरीदा के एक फैसले ने फिल्म इंडस्ट्री में उनकी इमेज बदल कर रख दी। वो कैसे हीरोइन से हीरो की बहन बन गई उन्हें भी रियलाइज नहीं हुआ, मगर उन्हें इसका मलाल भी नहीं रहा। फरीदा जलाल के फिल्मों में आने से लेकर अब उनके गायब होने तक की पूरी कहानी हम आज जानेंगे। '65 में यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने मिलकर एक टैलेंट हंट आयोजित किया था। इसमें देश भर से कुल 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस टैलेंट हंट को बिमल रॉय, बीआर चोपड़ा, नासिर हुसैन, जीपी सिप्पी, ओम प्रकाश मेहरा और शक्ति सामंत जैसे उस वक्त के दिग्गज फिल्म मेकर्स जज कर रहे थे। इस हंट के लास्ट राउंड में 8 लोग सेलेक्ट हुए। इन 8 लोगों में सुभाष घई, धीरज कुमार, राजेश खन्ना और विनोद मेहरा और फरीदा जलाल जैसे लोग शामिल थे। उस इवेंट के 2 फाइनलिस्ट बने राजेश खन्ना और फरीदा जलाल। इस टैलेंट हंट के विजेता की घोषणा फिल्म फेयर के एक इवेंट में होनी थी जहां तकरीबन पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग मौजूद रहने वाले थे, मगर उससे पहले दोनों फाइनलिस्ट को वहां बैठे दर्शकों के लिए परफॉर्म करना था। इवेंट वाले दिन राजेश खन्ना और फरीदा जलाल की परफॉर्मेंस तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खत्म हुई। ठीक उसी वक्त वहां ऑडियंस में बैठे राष्ट्रीय प्रोडक्शन के ताराचंद बड़जातिया उनसे मिलने चल दिए। उन्होंने बैक स्टेज जाकर फरीदा को अपनी अगली फिल्म तकदीर में कास्ट करने की बात कही। फरीदा ने फिल्मों में काम पाने के लिए ही इस टैलेंट हंट में हिस्सा लिया था, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि इस टैलेंट हंट का नतीजा आने से पहले ही उन्हें इंडिया की एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी अपनी फिल्म में काम दे देगी। इस घटना के कुछ ही घंटे बाद टैलेंट हंट का रिजल्ट आया। इसमें राजेश खन्ना के साथ फरीदा जलाल को संयुक्त रूप से विजेता चुना गया। हालांकि ये डिबेटेबल फैक्ट है, तमाम जगहों पर इस टैलेंट हंट के सोलो विनर राजेश खन्ना बताए जाते हैं। जब फरीदा ने अपनी पहली फिल्म तकदीर साइन की तब उनकी उम्र कुछ 15-16 साल रही होगी। वो पंचकनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट नाम के स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, मगर फिल्मों में आने की वजह से फरीदा को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बहारों की मंजिल और महल जैसी फिल्मों में काम करने के बाद फरीदा को राजेश खन्ना के साथ फिल्म आराधना में कास्ट किया गया। वैसे तो इस फिल्म की लीडिंग लेडी शर्मिला टैगोर थी, मगर फरीदा को भी राजेश खन्ना के ऑपोजिट ही कास्ट किया गया था। फिल्म के एक गाने बागों में बहार है में राजेश और फरीदा साथ नजर आए। जब आप इस गाने को YouTube पर चलाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो फरीदा ने शर्माने की क्या जबरदस्त एक्टिंग की है, मगर वो उनका एक्चुअल रिएक्शन था। अपने एक इंटरव्यू में फरीदा जलाल बताती हैं कि आराधना में काम करने के दौरान वो बहुत यंग थी। आमतौर पर हीरोइनें गाने या रोमांटिक सीन्स बड़ी आसानी से कर जाती हैं, मगर एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से फरीदा को राजेश खन्ना की ओर देखने में लाज आ रही थी। गाने के एक भी फ्रेम में वो राजेश खन्ना की आंखों में देखती नजर नहीं आएंगी। जब इस गाने की शूटिंग शुरू हुई तब डायरेक्टर और फिल्म यूनिट से जुड़े तमाम लोग इस चीज को लेकर चिंतित थे, मगर फिर उन्हें एहसास हुआ कि फरीदा की अति शर्मीली अदा फिल्म और गाने के फेवर में काम करेगी। ऐसे में उस गाने को बिना किसी बदलाव या रीशूट किए जस का तस फिल्म में बनाए रखा गया। '69 में आई आराधना के बाद फरीदा पुरस्कार नाम की फिल्म में जॉय मुखर्जी के साथ बतौर लीडिंग लेडी नजर आईं। फिल्म नहीं चली तब दिलीप कुमार बहुत बड़े नाम थे। उस दौर का हर एक्टर अपने करियर में कम से कम एक फिल्म उनके साथ जरूर करना चाहता था, मगर दिक्कत ये थी कि दिलीप साहब बड़ी गिनी चुनी फिल्में करते थे। उन्होंने 5 दशक लंबे करियर में मात्र 65 फिल्मों में काम किया। खैर इसी समय फरीदा को दिलीप कुमार की 1970 में आई फिल्म गोपी में काम करने का मौका मिला, मगर प्रॉब्लम ये थी कि इस फिल्म में उनका रोल दिलीप साहब की बहन का था। अपने करियर के शुरुआती दौर में किसी सुपरस्टार की बहन का रोल करना किसी भी एक्ट्रेस के लिए घातक हो सकता है, मगर फरीदा ने ये सब बिल्कुल नहीं सोचा। जब उन्हें गोपी ऑफर हुई तो सुनिए उनका रिएक्शन क्या था। अपने एक इंटरव्यू में फरीदा बताती हैं, इस फिल्म के लिए मना करने की बात छोड़िए, मैंने दोनों हाथों से उस मौके को लपका।
मुझे ग्रेटेस्ट दिलीप कुमार की बहन का रोल ऑफर हुआ था। अगर मुझे फिल्म के सेट पर जाकर सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करने का मौका मिलता तब भी मैं वो फिल्म साइन कर लेती। गोपी के बाद हिंदी फिल्म का हर हीरो फरीदा को फिल्म में अपनी बहन के रोल में चाहता था। इसके बाद फरीदा को 1971 में आई फिल्म पारस में संजीव कुमार की बहन के रोल में कास्ट किया गया। ये वो फिल्म थी जिसमें काम के लिए फरीदा को अपने करियर का पहला अवार्ड मिला, फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड। अपने इस फैसले को बिना किसी मलाल सही ठहराते हुए फरीदा कहती हैं, अच्छे कपड़े पहनकर सुंदर दिखने और पेड़ों के आसपास नाचने में ऐसी क्या खास बात है। मुझे फिल्म में हीरोइन से ज्यादा काम करने का मौका मिलता है। फिल्म की हीरोइन सिर्फ गाने गाती रहती और सारे ड्रामेटिक सीन्स मेरे खाते में आ जाते। फिल्म पारस में मुझे संजीव कुमार की बहन का रोल मिला मगर मुझे उस फिल्म में राखी दी से ज्यादा काम करने को मिला जो कि फिल्म की ऑफिशियल हीरोइन थी। तिस पर मुझे इन किरदारों को निभाने की वजह से पहचान और अवार्ड्स भी मिल जाते थे। मैं हीरोइन क्यों बनना चाहूंगी जब मुझे बहन के किरदार में उससे ज्यादा और बेहतर काम करने का मौका मिल रहा था। फरीदा का ये कहना एक तरह से सही भी था क्योंकि अगली बार वो सलीम जावेद की लिखी फिल्म मजबूर में नजर आई। इसमें वो अमिताभ बच्चन की बहन के रोल में दिखाई दी। इस फिल्म के लिए फरीदा को उनके करियर का दूसरा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला। वो टाइपकास्ट नहीं हुई, उन्होंने आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया। अमर प्रेम, बॉबी, धर्मात्मा और शतरंज के खिलाड़ी जैसी हिट फिल्मों में काम करने के बाद फरीदा सीन से गायब होने लगी थी। पिछले वाक्य में हमने आपको जितनी फिल्में गिनाई उनमें से सिर्फ बॉबी में उनका रोल चैलेंजिंग था। उस फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर की मंगेतर का रोल किया था जो मानसिक रूप से बीमार थी। मगर बीतते समय के साथ उन्हें काम मिलना कम हो गया था। इसके पीछे की वजह ये थी, तब तक मल्टी स्टारर फिल्मों का चलन शुरू हो गया था। फिल्म के तमाम प्राइमरी रोल्स पॉपुलर एक्टर्स करने लगे। 1975 में शोले आ चुकी थी, कभी कभी, हेरा फेरी और अमर अकबर एंथनी जैसी मल्टी स्टारर फिल्में सफलता के नए पैमाने गढ़ रही थी। फरीदा के पास फिल्म ऑफर्स तो आ रहे थे मगर वो हल्के और छोटे मोटे कॉमिक रोल्स होते थे। इसी समय फरीदा को जीवन रेखा नाम की एक फिल्म ऑफर हुई। वो इस फिल्म की हीरोइन थी और उनके हीरो थे तबरेज बरमावर। तबरेज ने प्यारे मदीना समेत कुछ सोशल मुस्लिम सिनेमा में काम किया हुआ था। जीवन रेखा में साथ काम करने के दौरान फरीदा और तबरेज के बीच कुछ पकने लगा। दोनों प्रेम में पड़े और नवंबर 1978 में इन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद फरीदा के लिए फिल्म ऑफर्स सूखने लगे। ऐसे में एक आध साल बंबई में गुजारने के बाद वो अपने पति के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो गई। बेंगलोर में तबरेज की साबुन फैक्ट्री थी। कुछ समय बाद दोनों को एक बेटा पैदा हुआ। फरीदा उसमें व्यस्त हो गई। फिल्मों से वास्ता खत्म सा हो गया। 7-8 साल फिल्मों से दूर फरीदा अपनी लाइफ में बिजी थी। हालांकि उन्होंने वहां रहने के दौरान ही घर जमाई नाम के एक टीवी शो में काम किया। फरीदा को दोबारा से एक्टिंग में एक्टिव होता देख कई फिल्म मेकर्स के कान खड़े हो गए। एक दिन अचानक से SS ओबेरॉय नाम के प्रोड्यूसर फरीदा के बैंगलोर वाले आवास पर पहुंचे। वो उन दिनों ये जो है जिंदगी नाम का एक शो बना रहे थे। उन्हें शफी ईमानदार के साथ एक जाना पहचाना चेहरा चाहिए था। उन्होंने फरीदा से पूछा कि क्या वो उनके सीरियल में काम करना चाहेंगी। पति से चर्चा के बाद फरीदा वो शो करने को तैयार हो गईं। वो मुंबई आईं और शो शुरू कर दिया। मगर ये उनका ऑफिशियल कमबैक नहीं था। अब समय में थोड़ा पीछे यानी फ्लैशबैक में चलते हैं। फिल्म बॉबी की शूटिंग का आखिर दिन था। शूटिंग खत्म होने के बाद फरीदा राज कपूर से गुड बाय बोलकर वहां से निकल रही थी। राज कपूर ने फरीदा के गुड बाय के जवाब में कहा, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई गुड बाय नहीं होगी क्योंकि RK बैनर फिल्में बनाएगा और तुम हमेशा उन फिल्मों का हिस्सा होगी। फरीदा को लगा राज कपूर सबको खुश करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ऐसी ये बात कह दी होगी। उसके बाद फरीदा की शादी हो गई, वो बेंगलोर शिफ्ट हो गई। जब 1988 में राज कपूर की डेथ हो गई तो फरीदा को लगा कि राज कपूर का वादा अधूरा रह गया। 80 के दशक के आखिर में ये जो है जिंदगी की शूटिंग के लिए फरीदा मुंबई आने की तैयारी कर रही थी, तभी उन्हें राज कपूर की आखिरी फिल्म मानी जाने वाली हिना का ऑफर आया। कहा जाता है कि हिना की सारी तैयारी राज कपूर ने खुद की थी मगर फिल्म की शूटिंग पूरी होने से पहले वो गुजर गए। मगर मरने से पहले उन्होंने फरीदा जलाल से किया अपना वादा पूरा कर दिया था। हिना फरीदा जलाल की कमबैक फिल्म बनी। इसके लिए उन्हें एक बार फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। अपने एक इंटरव्यू में फरीदा बताती हैं कि वो हिना को अपनी आखिरी फिल्म की तरह देख रही थी। बकौल फरीदा, वो चाहती थी कि हिना में काम करने के बाद पूरी तरह से फिल्में छोड़कर फैमिली पर फोकस किया जाए। हिना की सफलता का जश्न मनाने के लिए मुंबई के ताज होटल में एक पार्टी रखी गई थी। यहाँ फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के साथ फरीदा भी मौजूद थी। इस पार्टी में कई फिल्म मेकर्स उनसे मिलने आए और वो सब लोग चाहते थे कि फरीदा उनकी फिल्म में काम करें। यहाँ से फरीदा की इमेज एक हीरोइन या सेकेंड लीड से बदलकर माँ और दादी की हो गई। 90 के दशक की कई हिट फिल्मों में उन्होंने इस तरह के रोल्स निभाए और इन किरदारों में उन्हें खूब पसंद किया गया।
1997 में आई दिल तो पागल है और 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम के बाद यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शन ने फरीदा जलाल को अपनी फिल्मों में लेना बंद कर दिया। फरीदा के करियर की सेकंड इनिंग्स में इन्हीं दो प्रोडक्शन हाउस से निकली फिल्मों ने उन्हें नई पीढ़ी से रूबरू करवाया था। यशराज और धर्मा की फिल्मों में फरीदा को न लिए जाने की वजह किरण खैर को माना गया, क्योंकि अनुपम और किरण खैर की इन दोनों ही प्रोडक्शन कंपनियों के सर्वे सर्वा लोगों से काफी करीबी संबंध थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि शाहरुख के साथ हुई एक खटपट से फरीदा को इंडिया के दो चर्चित प्रोडक्शन हाउस ने दूर कर दिया, मगर ये बहुत पुष्ट खबरें नहीं हैं। हालांकि 2012 में करण जौहर के डायरेक्शन में बनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में फरीदा नजर आई थी। 2016 में यशराज फिल्म्स ने भी उन्हें अपनी एक शॉर्ट फिल्म लव शॉर्ट्स में कास्ट किया, मगर पहले वाली बात नहीं रही। फिल्मों से बचे समय में फरीदा ने बालिका वधू और जीनी और जूजू समेत तमाम टीवी शोज में काम किया। 2014 से 2016 तक जी टीवी पर आने वाला शो सतरंगी ससुराल टीवी पर फरीदा का आखिरी काम था। हालांकि फिल्मों में फरीदा हमें यदा कदा ही देखने को मिलती हैं। 2018 में बनी बत्ती गुल मीटर चालू और 2020 में जवानी जानेमन के अलावा किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई है। इस इंडस्ट्री के प्रति आभार का भाव रखने के साथ फरीदा को एक बड़ी शिकायत भी है, वो ये कि इस इंडस्ट्री में उनके समकालीन मेल एक्टर्स की तरह महिलाओं के लिए सशक्त रोल्स नहीं लिखे जा रहे हैं। ये तो हो गई फिल्मों और टीवी की बात, मगर फरीदा ने डिजिटल वर्ल्ड में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा ली है। वो Z5 पर आए दो शोज मेहरम और परछाई का हिस्सा रह चुकी हैं। फरीदा अपने बेटे यासीन जलाल के साथ रहती हैं। मुंबई के साथ साथ उनका बेंगलोर आना जाना भी लगा रहता है। मैटनी शो के आज के एपिसोड में बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दी लल्लन टॉक। बहुत शुक्रिया।